कोबरा कोबरा का जहर भी था कोबरा का जहर कौन सा है तो बाली बन रहा है मुझे कावन मुड़ी है कम मुड़ी है क्या देखिए मर गया पल पल की खबर बताइए बताओ क्या हुआ है इधर है आए इतना हंगामा कर दिया जरा सा सब है आज की ताजा खबर ये है कि दो सांप निकले हैं है? आपने देखी थी वो कैसे थे किस कलर के थे आज तुमको क्या हुआ है ये बताओ पहले क्यों मुंह लटका हुआ है आज है क्या हो गया आज इनको पता नहीं क्या हुआ है उदास उदास ही घूम रहे कहीं घूमने जाने की बोल रही थी कि चलो साथ चलो लेकिन मेरा मन नहीं है कहीं जाने का लेकिन ये चेट रही है मुझसे ऐसे प्लॉट पे क्या घूमना है क्या घूमना प्लॉट पर भाई तो उनका काम है तो ये लड़की प्लॉट पर जाने की बोल रही है उसी के लिए जिद कर रही है कहीं नहीं जा रहे तो प्लॉट पे चलो क्योंकि इनके दूल्हा भाई प्लॉट पर जा चुके हैं बाकी काम वाम तो अब नहीं लगा है क्योंकि ईंटों का सारा काम जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका है अब बस छत डलनी बाकी है तो वो 5-6 दिन के बाद डलेगी क्योंकि उसमें अच्छे से तराई करनी है साथ साथ में नीचे का जो फ्लोर है रहेगा उसको कूटना है अच्छे से तो हाँ बनिए तो जो मेरे पति बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा नहीं करोगे तो पिटाई लगेगी सो गाइस अभी हो गया है इवनिंग टाइम तो छोटी छोटी भूख के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं पोहा जैसे आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा फेवरेट वाले हैं हम सभी फैमिली को जो है ना पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे इवनिंग में मैं बना रही थी पोहा और फिर उसके बाद अभी मैं आ गई फिर से एक बार किचन में और बस शाम का फिर हम लोगों ने सोचा कि आज क्या बनाना है तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो आज जो है चने की दाल वाली चावल जिसे हम लोग कबूली बोलते हैं वो बनाते हैं साथ में बनाएंगे ज़रदा मीठे में क्योंकि आज मीठा खाने का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रही थी तो बस यहाँ पे अभी पेस्ट वेस्ट सब बना करके रख लिया यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है सारे गरम मसाले मैंने खड़े इसमें ऐड कर दिए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और जितने कम मसाले इसमें ऐड करोगे ना उतना ही ज़्यादा ये कबूली टेस्टी लगती है यहाँ पे सारे मसाले वसाले सब ऐड करके बस पानी डाल दिया चावल डाल दिए दाल डाल दिए उसके बाद बस विसल आने देंगे दो वेट करेंगे तब तक और तब तक फिर हम साइड में जो है ज़रदा भी बना लेंगे तो बस यहाँ पर मैं ज़रदा बनाने के लिए उसके लिए पहले मैंने चावल बॉयल करके रख दिए थे कलर वाले और यहाँ पर बस घी डाला इलायची डाली शक्कर डाली फिर उसके बाद यहाँ पे चावल बॉयल किए हुए डाल दिए तो मैं ना लेयर वाले बना रही हूँ मैं तो मैं इसमें ना 3 लेयर बनाऊँगी अगर आप चाहें तो चाशनी वाले भी बना सकते हैं मैं लेयर वाले ही बनाती हूँ तो बस इस तरह से मैं बनाती हूँ हमेशा ही तो बस इसके बाद मैं डालूँगी पहले चावल फिर उसके बाद शक्कर और इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसी तरह से मैं लेयर बना दी जाती हूँ और एकदम स्लो फ्लेम कर देंगे तो बन जाते हैं हमारे यहाँ पे इस तरह से ज़रदा आप लोग किस तरह से बनाते हो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके क्योंकि मम्मी मेरी जो है हमेशा इसी तरीके से बनाती थी बट मेरी सास जो है ना चाशनी बना करके बनाती तो उस तरीके से भी बना सकते बहुत ईजी है वो भी ज़्यादा बनाना इतना कठिन तो नहीं है
बना सकते हैं कोई भी। और कबूली जब बना रहे ना उसके साथ में ज़रदा तो बनता ही बनता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे अभी वही बना रहे हैं, और साहिबा पकड़ी हुई है कैमरा क्योंकि उनको ना खाना बनाना सीखना है, तो वो भी यहाँ पे खड़ी हुई, तो वो भी खड़े खड़े सीख रही है कि बाजी इसमें क्या डालना है, अब क्या डालना है इस तरीके से। तो मैंने बोला चलो सीख लो भाई, आगे काम आएगा, हमने भी ऐसे ही सीखा है, तो इसी तरह से सीखती है ना लड़कियाँ। ओके डन। ओरेन देखो, ओरेन ओरेन उठ गई है, नीचे में बैठ पर टू नहीं पड़ा, नीचे जगह आए गद्दी से ओरेन उठ गई। ए जूते जूते और मेरे जूते हैं ना, जूते उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई। लो पीलो पीलो पीलो, ये तुम्हारी चोटी मिटर गई, चोटी बिगड़ गई। हाँ हिम्मत है। वाह ब्यूटीफुल, वाह यू लुकिंग वेरी नाइस, क्यूटी पाई वाली। हाँ हुआ क्या, लुकिंग वेरी नाइस, इसका पयामा तो सही करो। लुकिंग वेरी नाइस, छोड़ दिया कर नानी। नानी तेरी मोर भी को मोर लेके खड़े खड़े से खुद खड़े खड़े से ही गिर गई वो सीधे, इसको गिराया खड़ी अगर लेट ही रह गई फिर एक दम नीचे सर पड़ा है ना, ऐसे करके पड़ा है सर, सर भी पड़ा है ऐसे गई। ओ डर गई वो, ओ कर गई तो डर गई वो, डर गई। हाँ क्यों करती हो, तुम अरे क्या लेने आई थी, मम 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 कर रही थी, मम मम तो हो रहा था सोने पे, हो रहा था पानी पी लो, स्वस्थ तो हो जाती है, डर एकदम डर गई, चुप के रह गई। ओ कैसा लगा, अरे भाई यार और कहाँ पे लग गई, हाँ लगी मम, मम उड़ाने ही तो आई थी बेचारी। मम हो गई फिर, मम उड़ाने आई और मम हो गई एकदम दम नीचे। और क्या सही है, सो गाइस अभी जस्ट हम लोग डॉक्टर के पास से लौट करके आए हैं, और मतलब आज इतने ज़्यादा थक गए ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी ना वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी अब तो हो गई है। सुबह से ही जो है ना ऐसा लगने लगता है कि भाई कैसे निकला जाए, तो फेस कवर करके मैं लग गई थी, इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गई ना वहाँ पे। फिर वहाँ पे वेट करना पड़ा हम लोग को, थोड़ी देर बैठे फिर जाके नंबर आया फिर दिखाया डॉक्टर को, तो बस वहाँ पे जो है ना मेरा, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले व्लॉग्स में कि मेरा जो रिपोर्ट थी वो आ गई, तो मेरी रिपोर्ट थी सीबीसी, उन्होंने जांच करवाई थी, तो वो रिपोर्ट में एकदम प्लेटलेट्स जो है कम आई थी, तो और थोड़ा सा ब्लड भी कम है, तो इसलिए जो है ना इसलिए मुझे चक्कर ज़्यादा आ रहे थे। और फिर उन्होंने जो है ना उसके बाद उन्होंने जो है ना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, तो वो भी क्या बताऊँ। वो मैं बताऊंगी कि नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है,
तो ठीक है। और बस आज जो है खाने में बना था, मतलब मैंने ही बनाया है खाने में कबूली, जैसे चने की दाल डाल करके बनाई जाती है, और साथ में बनाया है जर्दा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी मुझे। तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखा तो फिर मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं आज। और वही होता है ना कि शाम के टाइम क्या बनाए क्या बनाए, कुछ हल्का फुल्का सा ही खाएंगे सब लोग। वैसे ज़्यादा गर्मियाँ आ गई हैं तो मसालेदार सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते। तो सुबह जो है बनी हुई थी सब्ज़ी, क्या बोलते हैं उसको, बेसन के गट्टे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो मुझे। तो सुबह जो है मसालेदार सब्जी बनी थी, बट अभी यहाँ पे हल्का फुल्का सा हमने बनाया है। तो चने की दाल की कबूली बनाई है, साथ में बनाया है जरदा। तो आप लोग भी आ जाए खा ले, और रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी। हाँ जी गाइस, तो मैं कहाँ पे थी, मैं बात कर रही थी, हाँ प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो एक्चुअल में हुआ क्या मेरे साथ में, कि जब से मतलब हुरैन हुई है ना डिलीवरी के बाद से, मेरा जो पीरियड है ना वो इरेगुलर हो गए हैं, क्योंकि सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं वो। और मैंने डॉक्टर से भी पूछा था ये चीज़, तो उन्होंने बताया था कि हाँ सबके साथ में ऐसा होता है, इरेगुलर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो है सही हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे, बट ऐसा नहीं हुआ। और पिछले 2 महीने से जो है मेरे को पीरियड नहीं आया था, तो मुझे लगा कि शायद इरेगुलर हो गया है तो इसी चक्कर में है, बट जब मैंने चेक किया है तो मेरे होश ही उड़ गए गाइस सच में। रिजल्ट अभी आप लोगों को बताती हूँ क्या है। सो गाइस फाइनली अब मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो रिजल्ट ये है आप लोगों के सामने, कैसा लगा? और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी फिर से मेरी जो है गोद भर दी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, है ना, जो हमारे लिए अच्छा होगा इन फ्यूचर। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यहाँ पे ये भी है, आपको कैसा लग रहा है? आई एम सो हैप्पी। हैप्पी ना? हुरैन का बहुत ही जल्दी से भाई या बहन आने वाला है, हुरैन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी इस चीज़ के लिए। तो बस आप लोग इसी तरह से हम लोग को बहुत सारी दुआएं देना, और यही हम लोग चाहते हैं आप लोगों से, और दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है मुझे, और किसी चीज़ की नहीं। तो चलिए फिर व्लॉग का एंड ये इमोशनल हो गई थी, बहुत ज्यादा रोने लगी थी, मम्मी पापा को याद करने लगी थी। अच्छा लुक हुई थी। और नहीं बस ठीक है ठीक देखो बहुत इमोशनल है। इसी तरह से हमारा रेडी हुआ है जरदा, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत जल्दी बन जाता है, इजी भी है। तो आप लोग भी ट्राई करना एक बार मेरी तरीके से बनाए हुए। तो मुझे जो है ना रुक रुक के वॉइस ओवर देनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तेज़ वाला जुकाम हुआ है ना। तो चलिए फिर इस व्लॉग का एंड भी मैं यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।